अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ कम आवाज के साथ मौजूद है अजहर हर्षद अमजद अजहर दी बैंड। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी इस हॉट सीट पर एक ऐसे मेहमान तशरीफ लाएंगे और इनके लिए कुछ बातें मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। वैसे तो मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ, फेफड़ों से बात तो असर करता है। दिल से बात फेफड़ों से, फेफड़ों में पानी भर जाता है असल, तो आवाज़ में भी खड़खड़ाहट ताजी हो जाती है। तो एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, ये तीनों शोबों का एक बहुत बड़ा नाम है। एक एक जरखेज जहन के मालिक है, ये मैंने अभी लफ्ज लिखा, जरखेज जहन। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथ, तो एक जरखेज जहन के मालिक है और इनकी हिदायतकारी, इनकी अदाकारी, ये इसका जुदागाना अंदाज जब हम देखते हैं तो फिर ये सोच जहन में आती है, इन्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो फन और सकाफत की कोई कदर की नहीं जाती, माजरत के साथ। पहले एक मिनिस्ट्री थी फन और सकाफत की, वो भी खत्म कर दी, तो यहाँ तो कदर होती नहीं। इन्होंने शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में एक तवील इनिंग खेली और खेल रहे हैं, नितने तजुर्बात किए, बहुत अच्छे किए, खूब किए, कमाल किए, ज़बरदस्त किए। अगर बात इनकी डायरेक्शन से शुरू की जाए, अगर हम डायरेक्शन की तरफ आते हैं, तो बिला मुबालगा इस शोबे के हवाले से ये ट्रेंड सेटर है। ये पाकिस्तान के पहले थ्रिलर डायरेक्टर हैं। कौन से डायरेक्टर? थ्रिलर, थ्रिलर डायरेक्टर, जिन्होंने 2001 में 2001 में मिस्ट्री एंड एक्शन सीरीज थी, यानी 2001 में आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे। 2001 में तो मतलब आप समझ लें कि 99 में तैयारा अगवा हुआ, आसमान पे ही था, हाँ। बड़ी मुश्किलों से नीचे उतरा, हाँ। वो ये भी मिस्ट्री एंड एक्शन था। उसके बाद 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सहना हो गया। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ बनाया जा सके, लेकिन 2001 में इन्होंने मिस्ट्री एंड एक्शन सीरीज लॉन्च की और पाकिस्तानी ड्रामे को सास और बहू के रिवायती मौजूआत से बाहर निकाला। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला एडवेंचर शो। यार मैं जब भी आप लोगों की तरफ देखकर बात करता हूं ना, मुझे मुईन अख्तर साहब याद आते हैं। अगर आपको याद हो उस दिन बुशरा आपा भी हमने काम, आप लोगों को देख के बिल्कुल ऐसा ही है। मुईन साहब, बुशरा आपा, ये पुराने जितने लोग हैं, ये बैंड से बातें करते हैं। ऐसे ही हमने तो काम किया मुईन भाई के साथ। और ये बैंड से बात, उस जमाने में जाहिर ऑडियंस इतने नहीं होते थे, बिल्कुल आप समझ लो हम लोग पुराने पीटी में आ गए जब ऑडियंस नहीं होते थे। चलो बैंड से बात करते थे और बैंड इनको समझ रहा होता था, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, आप तो हर बात में वाह करते थे, समझ में आता। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला एडवेंचर शो इन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान में वेब सीरीज सबसे पहले पाकिस्तान में इन्होंने ही मुतारिक। इनके प्रोफेशनल करियर का आगाज भी बड़ा ड्रामाई था भाई, बहुत ड्रामाई था, इतना ड्रामाई कि आप सोच भी नहीं सकते। और 1996 में एक्टिंग का मुकाबला, एक्सप्रेस एक्टिंग चैलेंज देखने गए थे, मगर किस्मत ने इन्हें इस मुकाबले का हिस्सा बनाया। ना सिर्फ उस मुकाबले में इन्होंने शिरकत की बल्कि वो टाइटल भी अपने नाम किया।
और फिर रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिर हुआ कि तितली में नमूदार हुए यासर अख्तर, लेकिन इन्हें असल शोहरत काजिम पाशा की ड्रामा सीरियल कशिश से हासिल हुई। जिसमें इन्होंने मसूमिया का किरदार अदा किया। मसूमिया, मसूमिया का एक मुख्तसर सा मजाहिया किरदार था और जिसे नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। उसके बाद फिर ये आगे चलते ही चले गए, चलते ही चले गए, चलते ही चले गए। और वैसे तो ये हर तरह के किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं, लेकिन मनफी किरदार की जब बात आए, नेगेटिव, और देखिए दुनिया में पॉजिटिव उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक नेगेटिव ना हो। जब तक नेगेटिव ना हो, जब तक शैतान ना हो इंसान का कोई वजूद। क्या बात है, शैतान को रुसवा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया। तो नेगेटिविटी बड़ी जरूर, आप अगर सेल भी देखें कहीं पर भी जो सेल लगते हैं रिमोट में, इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आप सेल लगा लें, मैं आपको नेगेटिव सेल से रिमोट चलाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, नेगेटिव सेल और एक तरफ हाथ कि ये शहादत की उंगली, इसमें करंट होता है जितना पॉजिटिव में चाहिए होता है। अब आपका रिमोट चल जाएगा और टीवी ऑन हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेल नहीं होगा तो पॉजिटिव सेल भी काम नहीं करेगा, लिहाजा मनफी रोल नहीं होगा तो मुस्बत रोल की कोई गुंजाइश रहती नहीं। तेईस साल फनी करियर के दौरान, 23 years, 23 साल फनी करियर के दौरान बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में यादगार काम अदा कर चुके हैं। जिनमें आज कोई अच्छा म्यूजिक दो यार, चल रहा है, आए नहीं जरा कुछ थोड़ा सा माहौल को जरा खूबसूरत रंगीन बनाने के लिए, रोमांटिक। हाँ, रोमांटिक कि मतलब कशिश से शुरू हुआ सफर। किससे? हाँ ये, हाँ हाँ, कशिश में एक छोटी सी कहानी थी। वाह वाह, कशिश में छोटी सी कहानी, कशिश में एक छोटी सी कहानी थी, उस कहानी पे ओस पड़ गई। कहानी पे ओस पड़ गई, ओस पड़ गई। जब ओस पड़ गई तो क्योंकि दिल है छोटा सा और फिर जुदाई आ गई, जुदाई आ गई तो फिर वही मोहब्बत, और फिर वही मोहब्बत के साथ इकरार जरूरी होता है। वाह, इकरार, इकरार जब इंसान कर लेता है तो फिर कहते हैं कि निखर गए गुलाब। निखर गए गुलाब, निखर गए गुलाब नहीं, निखर गए गुलाब सारे, निखर गए गुलाब सारे। हाँ, गुलाब थोड़े भी हो सकते हैं लेकिन निखर गए गुलाब सारे। और जब सारे गुलाब निखर जाते हैं तो कोई नन्नी आ जाती है। वाह, नन्नी, नन्नी, कोई नन्नी, कोई नन्नी आ जाती है और नन्नी को देखकर मोहब्बत कहती है ये जुनून, ये जुनून, ये जुनून। और फिर तेरे प्यार के भरोसे, और तेरे प्यार के भरोसे में यही कहती है मोहब्बत करने वाली, मैं चुप रहूंगी। क्या बात, मेरे प्यार के भरोसे मैं चुप रहूंगी, क्योंकि तेरी जुस्तजू है, तेरी जुस्तजू है, बस थोड़ी सी भी बेवफाई ना दिखाना। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई भी ना दिखाना, वरना ये गुनाह हो जाएगा। इसलिए आपसे आज म्यूजिक थोड़ा चेंज, जबकि बास टेलीफिल्म्स में शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं, जिनमें तितली आपको मैंने बताया था, उसके अलावा वार्ड नंबर 7, दीवार और दावा शामिल है। इनकी टेलीफिल्म दाग मेरे नाम पे, इस पर भी बेहद इसको सराहा गया, दाग मेरे नाम पे भी कोई इसको बेहद सराहा गया, बहुत पसंद किया गया इसको, और फिर इसी पर इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया।
1999 में इन्होंने अदाकारी के साथ डायरेक्शन के शोबे का भी रुख किया और यहाँ पर अपने फन का भरपूर लोहा मनवाया और कई फनकारों को भी मुतारिफ कराया, जिनमें हुमायूं सईद। एक पत्थर नीलम मुनीर, नीलम पत्थर हो गया पत्थर, अभी तुम कुछ और मत समझना, नीलम मुनीर, नीलम मुनीर, मोहिब बिरजा, अदनान शाह, टीपू, टीपू और बिनीश चौहान शामिल हैं। बतौर अदाकार, बतौर हिदायतकार इन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया और अब तक जिन फिल्मों को अपने किरदार से ये अमर कर चुके हैं उनमें वार, नॉट वॉर, इट्स वार, वार, ऑपरेशन 021, परवाज है जुनू, गुम और मेरी फेवरेट फिल्म दुर्ज। इसके अलावा सवाल है $7 करोड़ का, भाई लोग, कभी हम लोग हुआ करते थे भाई लोग, और रास्ता शामिल है। तख्लीकी जहन के मालिक हैं, तख्लीकी काम करते हैं, तख्लीकी जहन के मालिक हैं और लिहाजा नितने मौजूआत पर ऐसी फिल्में डायरेक्ट करते हैं जिनको अमूमन हम लोग ज़ाहिर है कि चूँकि उसके लबोबाम से आशना नहीं होते, लिहाजा उनको हम आर्ट मूवीज कहते हैं और जिसकी सबसे नुमाया मिसाल दुर्ज है। दुर्ज में मुर्दार खोरी के मौजू को हकीकत पर मबनी शक्ल देकर इन्होंने और शहरी ने जो किरदार अदा किया, मैंने ये फिल्म सिनेमा में जाके टूबा के साथ देखी और मैंने बहुत सारी, मैं फिल्मों का लवर आदमी हूँ, चाहे इधर की हो या उधर की, सरहद के उस पार या इस पार या बिल्कुल ही दूर आगे, बहुत आगे बेवरली हिल्स की तरफ की, अब मैं सारी फिल्में देखता हूँ, लेकिन मैं आमिर लियाकत हुसैन आपसे ये कहता हूँ, मैंने दुर्ज जैसी फिल्म नहीं देखी। बड़ी तरह इस आदमी ने क्या एक्टिंग की है, मैं भूल गया कि ये नाम नहीं अभी ले सकता है बुलाने से पहले कि ये वो है, मैं तो कह रहा था ये वही है, ये वो नहीं है, ये वही है जो मुर्दार खाता है, ये वही है। और मैं इन दिनों ये एक और आपको वाकया याद होगा कि एक जावेद मलिक इकबाल था या जावेद इकबाल, उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था और 100 बच्चों को कत्ल करने के बाद उन्हें ड्रम में डाल दिया था, उसके बाद उसको वो जेल में ही फिर मर गया था। तो उसके उन बच्चों के कातिल पर ये फिल्म बनाने में मसरूफ़ है और बतौर हिदायतकार की 2 शॉर्ट मूवीज़ मैं रहूँगी और जिंदा को भी बैनुल अक़वामी पज़ीराई मिली और ये अवार्ड याफ्ता, ये अवार्ड याफ्ता फिल्म साबित हुई, ये भरपूर तालियों की, मुझे हमारी वाली तालियों की। अब काफ़ियाँ मिलाते हैं ना, अल्लाह ने इनकी शख्सियत नहीं बनाई बासी, अल्लाह ने इनकी शख्सियत नहीं बनाई बासी, शोहरत और इज्जत मिली है अच्छी खासी, शोहरत और इज्जत मिली है अच्छी खासी, तशरीफ लाते हैं शमून अब्बास से। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर, कैसे ठीक ठाक है? आज आपने जो मुझे याद दिलाया कि मैंने क्या क्या किया तो मैं खुद भी हैरान हो गया ऑनेस्टली एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन शमूल भाई, ये आप इसके मुस्तहिक हैं कि सारी बातें बताई जाए, बहुत आपने बड़ा तारीखी काम किया है और अभी तो बहुत काम करना आपका बाकी है। अगर आप हम असल अदाकारों में और हिदायतकारों में किसी को मुनफरिद देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ देखना चाहते हैं, तख्लीकी जहन का मालिक देखना चाहते हैं, तो इसकी बड़ी ख़ास वजह यह है कि अदीबों, नावल निगारों, ड्रामा निगारों,
ये बड़े बड़े नाम होते हैं, जो कोई लिखता है भाई ये बहुत बड़ा नाम होता है, तो उसके लिए अगर वही फैमिली मिल जाए उसे, अगर वही खानदान मिल जाए, तो फिर तो वो खुद भी बहुत बड़ा हिदायतकार और डायरेक्टर बन जाते हैं। तो एक्चुअली इनका जो ताल्लुक है वो एक ऐसी फैमिली से है जिसको अब्बासी फैमिली कहते हैं, और इनके वालिद जुबैर अब्बासी मरूम, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत की, मारूफ नावल निगार और ड्रामा निगार थे, जिन्होंने नसीब, मंजिल और ख्वाहिश बेनाम जैसे ड्रामे तहरीर किए, हैदर इमाम रिजवी और इकबाल अंसारी जैसे डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने ड्रामे लिखे, इनकी फुप्पी सीमा गजल बड़ी कमाल की राइटर है और शायरात में शुमार होती है, नावल निगार में शुमार होती हैं, ड्रामा निगार में शुमार होती हैं, मंजिलें चांदनी रातें कभी कभी प्यार में मूरत काफिर आशती और शिद्दत जैसे मकबूल ड्रामे तहरीर किए। इनकी एक और आंटी हैं जो कि नसीन आंटी हैं, ये भी मुमताज़ राइटर हैं, कज़न समीना एजाज हैं, शायद निज़ामी भी राइटर्स में शामिल हैं, ख़ानदानी अदबी पस मंज़र शमून अब्बासी पर भी नज़रअंदाज हुआ असरअंदाज हुआ, और इस असरअंदाज होने के साथ साथ शमून अब्बासी डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, और 90% प्रोडक्ट्स खुद इन्होंने अपनी तहरीर की। जी साहब, है ऐसा कि नहीं है? आई एम ओवरवेल्म्ड, थैंक यू यार। मगर दुर्ज में जो आपने काम किया ना, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मैंने आपसे टेलीफोन पर भी कहा, अभी भी आप मैंने मैंने आपसे कहा, ये कैसे कर लिया था आपने दुर्ज में? मतलब ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए आप, मैं यूँ समझाता हूँ कि कोई माशरे से नाराज़ फ़र्द है, आप उसकी अदाकारी कर सकते हैं क्योंकि तजुर्बा है, किसी को देखा है आप, कोई कातिल है आप कर सकते हैं, कातिल से किसी से जेल में आके मिल, मुर्दार खाया हुआ आदमी तो कोई तजुर्बा है ही नहीं, ये बहुत अहम बात है। किसी आपने क्या पहले कभी मुर्दार खाए थे? नहीं खाए नहीं, हकीकत बात, लेकिन फिर भी आप वैसे बन गए, कैसे? आमिर भाई, जो जितनी भी कहानियाँ अभी आपने जैसे मेंशन की, उसमें ख़ास एक बात है, जब जब मैंने ये कहानियाँ सेलेक्ट की तो वो क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि मेरे दिल को जाके कहीं ना कहीं अपनी मुल्क के हिसाब से बड़ी बुरी लगी कि यार इस अपने मुल्क में ये कोई शिद्दत, अच्छा होता हर मुल्क में, यानी ये कैनिबलिज्म लोग समझते हैं से पाकिस्तान में हुआ था, ये ओवरऑल और पता नहीं कब से चल रहा है, जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस तरह की कहानियाँ जब आपके दिल को लगती है ना और आप सवाल क्रिएट होता है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उस सवाल को एक स्क्रिप्ट की शक्ल में आप बयान करें? अच्छा, कहानी में जो असल पहलू था वो ये था ही नहीं कि हमने मुर्दार ये जो आदम खोर है ये दिखाने, असल में मुझे क्या चीज़ अजीब लगी थी, और मैं अल्लाह ना करे हम अपने कानून को मैं कुछ नहीं चैलेंज करूँगा, लेकिन आयरोनिकली अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो सज़ा थी वो 6 महीने थी, और वो क्यों था, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में दफा थी नहीं। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी कि जी ये लोग पकड़े गए और उसके बाद पकड़ के इनको सिर्फ 6 महीने में रिलीज़ कर दिया गया, तो मेरा सवाल ये था कि क्या इन लोगों पर कोई नज़र रखी गई है, क्या ये दोबारा इस एक्ट को तो नहीं करेंगे, क्या ये आके थाने में अपने आप को रिपोर्ट करते हैं? तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दैट बिकेम अ क्वेश्चन। तो मेरा ये पॉइंट था कि जी मैं इस स्क्रिप्ट को ऐसा बनाऊं जिसमें मैं खून खराब, आपने देखा होगा खून खराब नहीं, अच्छा लोग डरे हुए बहुत थे इस फिल्म से, जी ये आदमखोरी है तो खाते हुए दिखाएंगे, मैंने कुछ नहीं दिखाना, लेकिन मैं इस बात को सामने लाना चाह रहा था कि जब हम किसी क्रिमिनल पे फॉलो अप नहीं रखेंगे और वो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा वापस, वो भले रेपिस्ट हों या अल्लाह करे और कोई काम हो, फॉलो अप नहीं होगा और इनकी कोई प्रोबेशंस नहीं होंगी, तो बॉस फिर ये दोबारा से रिपीट करेगा। अच्छा, अब रह गई बात उसको अदाकारी तक लाने की, तो मुझे लगता है कि जब मैं एक्टिंग करने लगता हूँ तो वो रिसर्च थोड़ी सी मेरी होती है, एक ग्लोबल आपकी एक वो भी होती है रेलिवेंस, कि यार आपने 10 एक्टर्स को देखा होता है और उनका एक मिक्सचर आप क्रिएट करते हैं, अपना स्किल डालते हैं। और अमर भाई, मेरा ये प्रॉब्लम कह लें या अच्छाई कह लें कि जब कैमरा ऑन होता है ना तो आई नो हाउ टू स्विच माई सेल्फ, आई गो इन दैट वर्ल्ड। कसौटी की तरफ बढ़ते, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी शोबिज़ में इनकी फैमिली के पास अफराद, जिनमें से एक तो बहुत हमारी प्यारी सी और जब आती हैं तो पूरी महफिल को गुले ज़ाफरान बना देती हैं, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कहा, आमिर भाई ये वाला गाना,
ये ज़रूर आप शायरी से गवाइएगा। इश्क हुआ पता ही बदनाम हुआ, बहुत बहुत प्यारा गाना है। अनुशी अब्बासी की छोटी बहन है, हमारी बहनों की तरह बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। अभी उनका एक इश्तहार भी आप देख रहे होंगे, चाय वाला जो है, तो पूरी एक फैमिली है उसका पस मंज़र है। लेकिन उससे पहले हम जरा कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। जनाब कसौटी दिखाएं। खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत, क्या लें? खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत। हाँ, खाना, हादसा, मकाम, खाना, हादसा, मकाम, वाकया, शख्सियत। I'm very bad at kasauti. मैंने नहीं सीखा ये। But you have to choose one. अच्छा, I have to choose one. हादसा। हादसा, हादसा ले ले भाई। हादसा ले लेते हैं और एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमसे शमून भाई ने कहा है हादसा, हादसे की तरफ बढ़ते हैं। हादसा खुशगवार भी होता है और हादसा नाखुशगवार भी होता है। बसा औकात हादसात के बारे में कहा जाता है कि नाखुशगवार वाक़ियात होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हादसात के बतन से खुशगवार वाक़ियात जन्म लेते हैं। अगर हादसा ना हो तो फिर कोई अच्छा वाकया भी पैदाइश अपनी नहीं मुकम्मल कर पाता। उसके लिए हादसा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हादसा है इनकी ज़िंदगी में, एक हादसा है। ताल्लुक इनकी ज़िंदगी से और इसका जो बुनियादी सबब है वो आपके आंसू हैं। बुनियादी सबब, हादसे का बुनियादी सबब आपके आंसू हैं। अब यहाँ से आपने 10 इशारे मुझसे पूछने हैं, तो मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। पैदाइश, पैदाइश तो आपकी इटली में हुई। अलहदगी, अलहदगी तो हो गई थी, वो भी एक हादसा था लेकिन हो गई थी। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। मैं आगे उधर ही, उधर ही, मैं उधर ही, मैं भी उधर हूँ, मैं भी उधर, मैं इटली में हूँ, मैं भी इटली में। ठीक है, मैं भी इटली हूँ। मैं जानता हूँ, मैं उस शमून से बात कर रहा हूँ जो अतालवी ज़बान बहुत अच्छी बोलता है और अम्मी बार बार नाराज भी होती थी। पाकिस्तान, पाकिस्तान के से कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप इटली में ही रहिए। पाकिस्तान को ताल्लुक इटली में रहिए। हादसा, हाईवे, हाईवे था, बिल्कुल था, मगर वो हादसा गुजर गया। उसके बाद एक हादसा है जिसका ताल्लुक आपके आंसुओं से। कितने हो गए? चार, पांच, चार हो गए, चार हो गए। उसके बाद जब ये तालवी बोला करते थे बहुत ज्यादा, तो इनकी वालदा नाराज हो जाती थी कि भाई इसको उर्दू सिखाओ, इसे पाकिस्तान जाना है, ये कैसे उर्दू बोलेगा। और मुझे 16 साल की उम्र तक उर्दू बोलने नहीं आती थी। देखिए आप जरा, और आज उर्दू का सबसे बड़ा फनकार है। अच्छा, हाईवे भी आपने निकाल दिया। जी, ठीक है, हाईवे भी निकल गया। हादसा असल में वहीं से कहीं से रिलेटेड था। हाँ। चले पाकिस्तान आ जाए, थोड़ा पाकिस्तान आ जाते हैं, आ जाते है ना। पाकिस्तान, अकेलापन, अकेलापन कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक। उसके बाद शो बिजनेस की कोशिश? नो, अभी आप अकेलेपन में हैं। अकेलेपन में
असल में उसी अकेलेपन से निकला था मैं। हाँ, उस अकेलेपन से आप निकल आए थे, लेकिन मैं भी आपको वहां वापस ले जाना नहीं चाहता, मगर चूंकि सुनने वाले जब सुनेंगे तो उनको एहसास होगा कि मैं भी नहीं बता सकता। आप अच्छा, आपके लिए सरप्राइज, आप खुश होंगे। हालांकि इसका ताल्लुक आपके आंसुओं से, लेकिन कई देखने वाले इस वक्त उससे एक मिसाल हासिल करेंगे। पाकिस्तान आ गए हम और पाकिस्तान आ गए थे आप, और फिर अकेला नाजमाबाद में रहने लगे थे, बता देता हूँ। नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, बिल्कुल। और उसके बाद सरप्राइजेस, कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में मुझे पूरी जिंदगी नहीं पता थी, मुझे पता चला। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये सात हो गए, सात हो गए। वालदेन, वालदेन तो जाहिर है, लेकिन वालदेन ही अगर होते तो ये तो हमें पहले ही पता था। और उनकी अलहदगी की भी हमें पता था, लेकिन हम तो अभी नाजमाबाद के घर में, नॉर्थ नाजमाबाद के घर में, जहाँ पर आप मौजूद हैं, मौजूद हैं। और कैसे रिलेट करूँ चीज़ों को, नाजमाबाद के घर में आप मौजूद हैं और अपने आप को आप संभाल चुके हैं। अपने आप को आप संभाल चुके हैं, संभाल भी चुके हैं, और थोड़ा सा अपसेट थे आप इन सब बातों की वजह से, बट आपने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी आपको रोना आता था। एक ऐसा रिश्ता, एक खूनी रिश्ता। यस, खूनी रिश्ता। हाँ, खूनी रिश्ता। और शदीद डिसअपॉइंटमेंट उस खूनी रिश्ते से, एक ना नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, नहीं थी, खूनी रिश्ता था बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। सर, डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। नौ हो गए, अभी चार रहते हैं, चार रहते हैं, चार रहते हैं, अभी छह हुए, छह हुए। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट, आराम से सोचे। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट, इट्स नॉट लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट, इट्स लाइक कि मैं मुझे रोना आ रहा है। मुझे जो बात याद है आमिर भाई, वो डिसअपॉइंटमेंट पे रोया था मैं। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट थी उसमें। हाँ, लेकिन उसमें एक होती है डिसअपॉइंटमेंट के यार, ये क्या हो गया, ये तो बहुत। हाँ, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट उम्मीद के साथ होती है। हाँ, कि शायद ये हो जाए। हाँ, ये भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इसमें एक उम्मीद होती है, तभी आप कोशिश करते हैं। हाँ, वरना डिसअपॉइंट होने के बाद आदमी कभी कोशिश नहीं करता। इस डिसअपॉइंटमेंट में आपने कोशिश भी की है। हाँ, इसमें मैंने कोशिश की। हाँ, क्योंकि आप शुरू से एक बहादुर आदमी है, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ। बहादुर आदमी है, हालात से लड़े, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, फेवरेट है मेरे, क्योंकि आपने बड़े बड़े मुश्किल हालात का मुकाबला किया है, और आज आप इस मकाम पे खड़े हैं। बट आप एक ऐसी मंजिल पर से, नाजमाबाद का ग्राउंड, नाजमाबाद का घर था, डिसअपॉइंटमेंट भी उसमें शामिल थी, परेशान भी आप थे, लेकिन अपने आप को संभाल चुके थे। अब चूंकि अब आप एक बाप बन चुके थे, इस लिहाज से कि अनुषे की परवरिश आपने करनी थी, और उसकी आपने बाप बन के परवरिश की है, ये आपको पता है बात कि अनुषे आपकी छोटी बहन, उसके लिए आपने। लेकिन यहाँ एक ऐसा मौका आता है जहाँ आप रोते हैं, आपको बहुत रोना आता है। ये आपकी जिंदगी का वो हादसा है कि आप इसे कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे और इसे दूर भी नहीं हो पा रहे। I give up, sir. No, no, sir. तीन अभी इशारे बाकी। तीन इशारे बाकी। हाँ। कोई अज़दवाजी रिलेशन? No, no. वहां जाऊंगा भी नहीं। मैंने शमून अब्बासी को बुलाया। मैंने एक बहुत बड़ा अदाकार बुलाया। मैंने अज़दवाजी जिंदगी में बहस नहीं करनी। I don't remember. Honestly, I don't remember. मैं बता। हाँ, please. ये अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच थे, मेन था। इतने अटैच थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और आज भी जब इनका वालिद से गुफ्तगू करने को जी चाहता है, तो सिर्फ ये सोच कर ही इन्हें रोना आ जाता है कि मैं अपने वालिद से किस तरह गुफ्तगू करूँ, क्योंकि 2012 में उनका इंतकाल हो गया। और अभी भी आप रो रहे हैं। I want him around. I always wanted him to see. आज आपकी ये बातें सुनना,
ये उनके लिए मुझे लगता है बहुत, वो इंतज़ार में थे, उन्होंने पूरा मुझे 10-12 साल जो स्ट्रगल करते हुए देखा, उस स्ट्रगल में वो एक दिन बस कहते थे कि मैं तुझे जो तेरे अंदर टैलेंट्स हैं, जो तेरे अंदर स्किल्स हैं, जो बातें हैं, जो तुम्हारी शख्सियत है, मैं उसको परवान चढ़ता देखना चाहता हूँ। और वार से पहले, वार का बड़ा इंतज़ार था, वार से पहले ही लेफ्ट। और एक दिन मुझे याद है आमिर भाई कि आई कॉल्ड बिलाल लशारी, और उस दिन हमारा प्रीमियर था कराची में, और मैंने उससे पूछा यार तुम कहाँ बैठोगे, सीट्स का क्या अरेंजमेंट्स है। उससे कहा ब्रो मैं तो अपने फादर के साथ बैठूंगा, आपका क्या प्लान है। एंड आई क्राइड फॉर लाइक हाफ एन आवर, आई क्राइड बिकॉज आई वॉन्टेड टू सिट विद माई फादर, आई वॉन्टेड हिम टू वॉच दिस फिल्म, आई मिस हिम। बस उनके लिए मैं कहूँगा आप लोग सब दुआ कीजिएगा, वो जहाँ भी हों वो खुश हों। Yes. इन्होंने हमें भी रुला दिया इससे कि हमारी भी वालिद नहीं है। एक वक्त लेते हैं, वक्त के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। चीफ़ पाकिस्तान में एक बार जब फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शमून अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शमून अब्बासी, अप्रैल 1973 मुझसे 2 साल छोटे, 1973 इटली के शहर रोम में पैदा हुए, और रोम की किसी रूम में पैदा हुए होंगे, और इनके वालिदैन रोम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे। वालिद का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस था, और शमून का बचपन लड़कपन सब माशाल्लाह तफरी से भरपूर, जिंदगी से भरपूर ये गुजरा। वालिद ने पूरे यूरोप की सैर कराई, जिनका अभी जिक्र कर रहे थे वालिद साहब का। अल्लाह ताला इनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन, उनको गरीक रहमत करे, और उनके तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो बचपन पे इन्हें, बचपन में इन्हें अलमारियों पर चढ़ने का बड़ा शौक। और एक मरतबा अलमारी पर चढ़ने की स्पाइडरमैन की तरह नाकाम कोशिश की, तो ये अलमारी समेत नीचे आ गिरे, और शरारत की वजह से अम्मी ने इनको बहुत मारा, बहुत पिटाई। तो ये अब मुझे नहीं पता अलमारियों पर ये क्यों चढ़ते थे। अरे भाई ये कहाँ से इन्फो आ रही है आपको। लेकिन अलमारी पे चढ़ना वैसे ही कमाल की बात है। अलमारी पे कैसे कोई चढ़ जाता है, अलमारी पे कोई स्टूल रखता है आदमी पे चढ़ता है, ये चढ़ जाते हैं भाई अलमारी पे, ये समझ मतलब अलमारी पे चढ़ना, स्पाइडर में चढ़ सकता है, टक 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 चढ़ जाए, या तो अलमारी की छत पर कुछ रखा होता होगा। असल में मैंने डाइनिंग टेबल भी तोड़ दी थी चक्कर में, है डाइनिंग टेबल पे चढ़ा था। हाँ। और वहां मुझे मेरे पेरेंट्स क्या करते थे कि किसी भी चीज के बारे में मुझे क्यूरियोसिटी होती थी ना। हाँ। कि ये क्या है वो क्या है, तो उसके बारे में कोई स्टोरी सुना देते थे। अब एक टाइल था हमारे घर में, हाँ। डाइनिंग हॉल के बिल्कुल साथ ही, तो मैंने बस वो हिलता था। हाँ। मैं उसको छेड़ता रहता था कि ये क्या है, तो मेरे फादर ने एक दिन मुझे कहा कि इसके अंदर बिच्छू है, इसको खोलना नहीं कभी। हाँ। अब वो दोनों एक दिन चले गए। हाँ। और मैंने कहा यार ये बिच्छू आज निकाल लूंगा। मुझे 2.5 घंटे लगे। हाँ। मैंने स्टिक्स तैयार की। हाँ। मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें वेपन क्रिएट किया कि जैसे निकलेगा मैं मार दूंगा। आमिर भाई इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, क्योंकि मैंने 2.5 घंटे में उस टाइल को उठा के उल्टा किया है। हाँ। कुछ भी नहीं था उसका, सिर्फ सीमेंट सही नहीं लगी, सीमेंट हाँ बाकी सब सही। मैं इतना उदास हुआ, मैंने फादर को अपने कहा, मैंने पापा जी आपने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि मेरा मिशन था ये कि मैं बिच्छू मारूंगा। तो इसी तरह अम्मा कहती थी यहाँ मत चढ़ो वहाँ मत चढ़ो। हाँ। तो मैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ा, हालांकि आप कई मरतबा चढ़े। हाँ जी, और गिरा भी दिया। ये बात, मंजिलें हमेशा उनको मिलती हैं जो मंजिलों को डैश करते हैं। ये एक कार्ड रखा है। हाँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं जी। तलाश, याद, तलाश, जो मंजिलों को तलाश करते हैं मंजिलें हमेशा उनको मिलती हैं, जो याद करते हैं वो फिर माजी में ही रहते हैं, मंजिल नहीं पास होते, मुस्तकबिल का मकाम है माजी। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ डैश पर भी बरसती है। कांटों और पत्तों, कांटों, देखिए फूल के साथ पत्ते नहीं आते,
दर्द के साथ पत्ते आते, फूल के साथ तो कांटे आते। वैसे भी अगर किसी खूबसूरत फूल से दिल लगाया है तो भाई और अब्बा की शक्ल में कांटे होंगे। जब तक ये कांटे नहीं कांटे उस वक्त तक ये फूल आपका नहीं हो सकता। वैसे ही है। तो ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अगर कोई फूल पसंद आ गया है तो याद रखना, कांटे कांटे बगैर मत जाना, वरना कांटे तुमको ऐसा काटेंगे कि फूल तोड़ने से बाज आ जाओगे। हर बात को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों से बेखबर रहना ही डैश होता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा सही और अच्छा इसलिए नहीं है सही क्योंकि सही के साथ गलत हो, लेकिन अच्छा इसलिए है कि अगर कुछ बातों को आप ना ही जाने, अच्छे के साथ ना आएगा, ना ही जाने तो बेहतर है। जो लोग अपने जीने का मकसद समझ जाते हैं जिंदगी उन पर ज्यादा डैश होती है, मेहरबान या आसान। मेहरबान, जिंदगी उन पर ज्यादा मेहरबान होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। जब मोबाइल में बैलेंस और रिश्तों से प्यार खत्म हो जाए तो लोग डैश शुरू कर देते हैं, यानी बातें करना, गेम खेलना, बातें करना। तो लोग बातें करना शुरू करते हैं। क्या चक्कर है भाई, आजकल पहली वाली से नहीं मिल रहा अपनी बीवी से, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा भाई, क्या बात है किधर? क्योंकि भाई बैलेंस भी खत्म है और सीधी बात है कि प्यार भी रिश्तों में खत्म हो गया, तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। उर्दू नामे की तरफ आते, आपसे अंग्रेजी में पूछेंगे, ठीक है, उर्दू में आपने जवाब देना है। एम्बेसडर, एम्बेसडर, एम्बेसडर होता है, बड़ा आसान वर्ड है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई ऑप्शन नहीं है इसका? ऑप्शन नहीं देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बेसडर एक जैसे अमीर होता है वैसी, सही बात है, अमीर, अमीर की अमीर का काफिया है। हाँ, अमीर, कबीर, असीर, नसीर, अच्छा, अजीर, बात, फकीर, बोल गया, फकीर, 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 अमीर, 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 फकीर, वजीर, वजीर, सफीर, 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 गौर, सफीर, सफीर, मेरी उर्दू बहुत खराब है। सफीर, डिबेट, डिबेट कहते हैं यार, आप देखें, आप वैसे उर्दू में हर वक्त ये बातें बोल रहे होते हैं और जैसे सवाल आ जाए, जब दो आदमी आपस में एक दूसरे से करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जब दो आदमी आपस में एक दूसरे से वो करते हैं, दलील पे दलील, सही बात है, दलील पे दलील, तुमने ये कहा, तुमने कहा, तुम ये कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मुबाइसा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युट, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इन एब्सोल्युट, एब्सोल्युटली यार, ये घर एब्सोल्युटली मेरे रहने के लायक, ये प्रोग्राम एब्सोल्युटली शमून के आने के लायक, इंतहाई, एब्सोल्युटली इंतहाई नहीं होगा, नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन मतलब ये कि इसके आगे मतलब ये इट्स फाइनल, इट्स फाइनल, इट्स फाइनल, इट्स फाइनल, 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 व्हाट इज फाइनल, आखिरी, हतमी, आपके सवाल करने का तरीका इतना जो है ना इंटिमिडेटिंग है, बंदा हिल जाता है, सीधे सीधे अल्फाज भी नहीं याद आ रहे, और ये म्यूजिक माशाल्लाह। ड्रामा, 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 ड्रामा तो ऑलरेडी ड्रामा है ना, 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 आग हो जाए, ना, आ हो जाए, ना, अटक हो जाए, क्या, ना, अटक हो जाए, नाटक, 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 वाह 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 वाह, ये इनका न्यू
म्यूजिक जो है ना ये बुला देता था। आखिरी वर्ड हाँ भाई, असाइलम। असाइलम, असाइलम। मैंने उस मुल्क में जाके असाइलम ले लिया। हाँ ये वर्ड नहीं याद मुझे, ये वर्ड नहीं याद। मैं मांगता हूँ। हाँ मैंने कुरान पढ़ते वक्त कहते ना मैं मांगता हूँ। हाँ मैं एक मांगता हूँ। हाँ मैं वो मांगता हूँ तेरी शैतान मर्दूस से मैं पना मांगता। बस खत्म हो गया सर, टिश्यू लाओ यार। एक वक्त थे वक्फे बाद हाजिर होते, जी मैं पाकिस्तान। जी वे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते शमून अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इटली में क़याम के दौरान स्पोर्ट्स से इनको बड़ा लगाव हो गया और बिलखसूस फुटबॉल, फुटबॉल ये बड़े शौक़ से खेलते थे। इटली में वैसे भी फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है और इतनी अच्छी खेलते थे कि वहाँ की जो अंडर 17 टीम थी उसमें ये कप्तान बने, और कप्तान बनने के बाद ये पहले एशियन थे जिनको ये एजाज मिला। अनुशे इनकी सबसे लाडली बहन, बहुत प्यार से उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है। चूंकि ज़ाहिर है कि अनुशे की शादी वालिद के इंतकाल के 2 बरस बाद हुई और शमून अब्बासी ने वालिद की कमी को पूरा करते हुए कोशिश की कि अनुशे को बाप की कमी का एहसास ना हो। और इसी तरह चूंकि इनकी तबीयत में मुहिम जोई है, एडवेंचरिज्म है, जिसकी ज़िंदगी में एडवेंचर ना हो, एडवेंचरिज्म ना हो, वो ज़िंदगी ज़िंदगी होती है क्या? लेकिन चूंकि इनको है तो ये नए नए तजर्बात करते रहते। फोटोग्राफी वो भी करूँगा, साथ साथ गुलूकारी वो भी करूँगा, हिदायतकारी और अदाकारी जो है वो भी करूँगा। तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इनकी आमद का सबब बन जाएगा इस इंडस्ट्री में और एक हसीन इत्तेफाक हो। और जैसे ही इत्तेफाक हुआ ये आए, सिकंदर आजम के लिए कहा जाता है वो आया उसने देखा और फतह कर लिया। मैं शमून के लिए कहता हूँ वो आया उसने देखा और फतह कर लिया। एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊं, फिर उसकी तरफ हम जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। और चूंकि बातें बड़ी दिलचस्प हैं लेकिन ये वाली बात बड़ी मज़ेदार बात है। वो ये था कि 1996 में जो एक्टिंग का मुकाबला हुआ था एक्सप्रेस एक्टिंग चैलेंज, तो इसमें इन्होंने बतौर ऑडियंस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, उसमें शिरकत का फैसला किया था। वहाँ ज्यूरी में अदाकारा नायला अली भी थी, तो इनकी कज़न ने कहा चलो नायला अली से ऑटोग्राफ ले लेते। नायला अली ने कहा इतवार को आना, इतवार को आना। उन्हें पूछा ऑटोग्राफ देना है तो अभी दे दें, इतवार तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते, देना है तो आप अभी दे दें। तो नायला अली ने मुस्कुरा कर कहा कि ऑटोग्राफ तो अभी ले जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्रेस एक्टिंग चैलेंज के ऑडिशन के लिए बुला रही हूँ। तो उन्होंने इनके साथ जवेरी अब्बासी को भी बुला लिया। ये थोड़े शर्मीले थे, अभी भी हैं शर्मीले, आपको लगता है, लेकिन ये हैं शर्मीले। शर्मीले कैमरे से घबराते थे मगर किस्मत आजमाई के लिए शॉट इन्होंने दे दी। 3 हफ्तों में ये आवाम की पसंदीदगी का मयार बन गए और अदाकारी के इस मुकाबले में उभर कर कई बड़े बड़े फनकार सामने आए जिनमें इनका नाम भी था। और फिर इनके फन की जो शोहरत थी वो यासिर अख्तर तक पहुंच गई। लेकिन असल कश जो इनको शोहरत हासिल हुई वो काजिम पाशा के ड्रामा सीरियल कशिश से हासिल हुई। और हालांकि बड़ा मुख्तसर सा किरदार था मसूमिया का,
लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि घर घर में कहा जाने लगा मशरूमिया मशरूमिया मशरूमिया, इसको कहते पजीराई। और फिर बतौर डायरेक्टर आप जरा इनकी तरफ आते, इन्होंने किन किन को मुतारिफ कराया बतौर डायरेक्टर? पहली मर्तबा हुमायूं सईद को मुतारिफ कराया। हुमायूं सईद एक बहुत टैलेंटेड फिल्म, इसमें कोई शक। उसके बाद नीलम मुनीर, नीलम मुनीर को मतलब ये नीलम मुनीर को मुतारिफ करने का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। हालांकि नीलम मुनीर के नाम का सेहरा इन्होंने नहीं बांधा, लेकिन सेहरा इनके सर जाता है मुतारिफ कराने। उसके अलावा मैंने बताया मोहिब मिर्जा, अदनान शाह, टीपू। अब मसला ये कि पाकिस्तान में डायरेक्शन अपनी जगह पर, मगर इन्होंने जो रिवायती मौजूद से हमारे ड्रामे को बाहर निकाला है शमून ने, ये एक ऐसा काम है जो मैं ऑन अ सीरियस नोट कहूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। इसी कि आप किसी और मौजू की तरफ ले जाएं, वो भी बाकायदा अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते पर, ये बहुत बड़ी बात है। ज़ाती तौर पर फिल्म लवर हैं, फिल्मों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और नित नए मौजूद पर फिल्में डायरेक्ट करना इनका मशगला है। 8 मूवीज़ जो ये कर भी रहे, और मुझे अब यकीन है इनकी जो 100 बच्चों के कातिल पर फिल्म आएगी वो शायद दुर्ज नहीं, यार दुर्ज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो सीरीज़ है, वो सीरीज़ है, वो सीरीज़। दुर्ज तो दुर्ज थी, दुर्ज जैसी फिल्म होना बड़ी मुश्किल है। जम्बल वर्ष की तरफ आ जाते, आइए जनाब। ये आपने बनाई भी है टेलीफिल्म? टेलीफिल्म, यस। और ये किरदार करना आपको बहुत अच्छा लगता है? विलन। विलन, ओके। ये भी आप बनाते रहे बहुत? कंप्यूटर यूज करते हैं आप? जी जी। उसमें जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें माय पीसी होता है, हाँ, और माय डॉक्यूमेंट्स होता है, हाँ, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री, यस। वाह। और ये जो आ रहे हैं ये आप हैं, दिस इज यू। अट्रैक्टिव, दिस इज यू। अट्रैक्टिव? नो, दिस इज, यस यू आर अट्रैक्टिव, बट दिस इज यू। This is you as well. E double E T T. And I believe this is only you in Pakistan. A big statement there. This is only you in Pakistan. Reactive? No. No. After Saeed Rizvi. After Saeed Rizvi sahab. This is only you in Pakistan. No one else can claim about it. This is only you. Really? Yes. Oh shit, I need to sort it out. You are a creative person and this is creative. सोच रहे होंगे कितने क्रिएटिव है, क्रिएटिव नहीं पढ़ा जा रहा हूं। देखो यार, यही तो बात है, जब भी तो क्रिएटिव है, जब भी तो क्रिएटिव है कि क्रिएटिव नहीं पढ़ा जाता। अरे थैंक यू। पूछते हैं हमसे वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो इसी को तो क्रिएटिव कहते हैं। आइए जी, आपको जरा आंखें दिखाएं। ये आंखें जो है ये ये मुझे बहुत पसंद है। और हम फिजा अली, हाँ, ये बड़ी प्यारी आंखें, शख्सियत भी बड़ी प्यारी है, फिजा अली। मैंने लेंसेज पहचाने आंखें नहीं, आंखें नहीं, लेंसेज। ओके, सही सही सही। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त बन गए, अब हमारे शो में आ चुके हैं, बहुत मजा आया था इनके साथ शो करके। ये है वो जो बॉय हमारा, और इसने बड़ी मेहनत की है। जी जी जी, अभी गौहर, गौहर रशीद, गौहर रशीद बड़ा टैलेंटेड, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, वेरी गुड। अब ये बचाइएगा आप, ये
ये बहुत जबरदस्त खातून है, अब बड़ी बोल्ड खातून है। इनकी अभी फिल्म आई थी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लाल कबूतर। अभी इनका एक नुमान एजाज के साथ इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ, इनका नाम मैं हालांकि नुमान एजाज यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड यू आर माई लव, लेकिन लोगों ने आपके साथ जो किया बुरा किया। इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये लाल कबूतर में थी। लाल कबूतर मेरे साथ भी काम किया इन्होंने भाई। ये अब पता है, ओ ये तो इफ्फत है। इफ्फत उमर, इफ्फत उमर, अब ये इफ्फत रही है, इफ्फत रही है। अच्छा जी, अब ये हमारे दोस्त हैं जनाब जिब्रान नासिर साहब, उनकी अब ये अहलिया बन जाएंगी, अब शायद बन गई है मंगनी की, तो मुझे इतना ये हैं वो जो लाल कबूतर में ये हैं जिब्रान। जिब्रान बहुत बड़े मतलब ये नहीं जी एक्टिविस्ट है, वो कि मेरा उनसे बड़ा इख्तलाफ रहा है, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसकी वजह ये कि जिब्रान ने हमेशा सही वक्त पर सही इशू को उठाया, और वो ये लायक ताज़ीम है कि उनकी इज्जत की जाए। तो जिब्रान नासिर साहब की मैं नाम भूल जाता हूँ इनका हर दफ़ा, मंशा पाशा। मंशा पाशा, यस यस। और मंशा के साथ मैंने काम भी किया था, लेकिन मैं नाम भूल गया। तो जिब्रान भाई आपको मुबारक हो, आपने गोके मुझे नहीं बुलाया शादी में, लेकिन फिर भी मुबारक। अब ये आ जाते माँ तू गोरी लोरी सुना ना, ये रहीम शाह, रहीम शाह माँ, रहीम शाह यार प्यारा इंसान यार, मोहब्बत है मुझे इससे, मुझे बड़ी मोहब्बत। को बुलाओ किसी दिन यार। तो ये हो गए जनाब, हमने आपको, अब आ जाते हैं महावरा कहानी की तरफ। आ जाए, मुश्किल वाला काम नहीं, नहीं तस्वीरें, अच्छा। तस्वीरें देख के अब देखिए ना, आपके बारे में अगर हम कहें, हाँ। कि भाई शमून को छुपा दो खाक डाल के, हाँ। तो खाक डालने से कहीं 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 खाक डालने से कहीं अंधेरा ना हो जाए। नहीं नहीं, कहीं ऊपर क्या चमक रहा है? सूरज। वो सूरज चमक रहा है रात को। यार यू आर क्रिएटिव पर्सन भाई, यार यार यू आर क्रिएटिव यार, रात को भी सूरज निकाल दिया भाई, कमाल किया। चांद पर खाक डालने से, खाक डालने से चांद नहीं छुपता। सही बात। हाँ जी, अब ये आइंदा आप जब भी फिल्म बनाए तो उसमें आपने शायरी का जो किरदार है वो ज्यादा बड़ा रखना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मुहावरा इस पर फिट आता है। अगर मगरमच्छ ना, इसका मतलब ये है कि जब आप दरिया में रहते हैं, हाँ, तो मगरमच्छ से जो है वो लड़ाई लड़ाई क्यों करते हैं? वाह वाह वाह। अच्छा ये आ जाए जी। ओ ये है, दाने 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 पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे, ये तो इश्तिहार बना दिया। हाँ, हम पूरे इश्तिहार, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं क्या है मुहावरा? ये है दाने दाने पे खाने वाले की मोहर लगी है। अच्छा अच्छा, ये आग लग गई है और एक आदमी को देखो क्या कर रहा है। अबे भाई आग लग गई है, बुझाओ बुझाओ। वो खड्डा खोद रहा है, वो कुआं खोद रहा है, कुआं खोद रहा है कि पानी निकलेगा तो बुझाऊंगा। अरे नहीं, ये मैंने मुहावरा इतना सुना है ना कभी। हाँ, आग लगने पर कुआं खोदना। अच्छा, ये बेवकूफी के लिए कहते हैं कि आग लगने पर कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदे पानी निकालेंगे जब आग लगे। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये ट्रुथ एंड अ लाई, इसमें हम पहला गा के पूछते, दो गलत होंगे एक सही होगा। शुरू इंसान के
जिस्म में सबसे छोटी, जिस्म में सबसे छोटी हड्डी नाक की, हड्डी नाक की होती है, आखिर में ख्वाजा आसिफ आया था। अच्छा, आप बात नहीं समझ रहे। इंसान के जिस्म में सबसे छोटी, जिस्म में सबसे छोटी हड्डी, इंसान के जिस्म में, इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी हाथ की हो, हाथ की होती है, हाथ की होती है। शमून भाई, शमून भाई बतलाओ, नाक की होती है, कान की होती है, कान की होती है, या हाथ की होती है, हाथ की होती है। क्या बात, कान की होती है, कान की होती है। सबर तो करते तुम लोग यार। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा फिनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा इंडोनेशिया है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। पाकिस्तान में 60% आबादी देहात में रहती है, पाकिस्तान में 70% आबादी देहात में रहती है, पाकिस्तान में 80% आबादी देहात में रहती है। 70%, एग्जैक्टली 70% आबादी देहात में रहती है। शमून इज राइट। रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 2,00,000 मीटर का फासला तय करती है, रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 3,00,000 किलोमीटर का फासला तय कर, सॉरी किलोमीटर का फासला तय करती है, रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 4,00,000 किलोमीटर का फासला तय करती है। आई बिलीव 2,00,000 किलोमीटर। 2,00,000 भी सही है, कुछ किताबों में 3,00,000 भी लिखा है, बट आई प्रेफर 2,00,000 क्योंकि मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, जो फिजिक्स पढ़ी थी, उसमें तो 2,00,000 ही था, ये 3,00,000 पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन ये क्यों अब हो गई हो, रोशनी भी बढ़ गई होगी भाई। हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही होती, मैं भी आया बढ़ जाऊँ। रैपिड
रैपिड फायर की तरफ आ जाते हैं जी। फिल्म या ड्रामा? फिल्म या ड्रामा? फिल्म। देन राइटर या डायरेक्टर? डायरेक्टर। रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? रियलिटी शो। ओके। एक्शन या रोमांस? एक्शन। थाईलैंड या दुबई? थाईलैंड। कोरमा या हलीम? कोरमा। स्विमिंग या जिमिंग? स्विमिंग। चाय या कॉफी? चाय 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 चाय। बाइक या कार? बाइक बाइक। यस यस मे बी बाइक। हस्की या पिटबुल? हस्की। दाल चावल या बिरयानी? बिरयानी। नुसरत फतेह अली खान या आबिदा परवीन? बड़ा मुश्किल। एहसन खान या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। यस। सबा कमर या माया अली? सबा कमर। रिक्शा या टैक्सी? टैक्सी। रेड कलर या ब्लैक कलर? रेड कलर या ब्लैक कलर? ब्लैक। इमरान इस्माइल या मुराद अली शाह? इमरान। ऑफ कोर्स इमरान इस्माइल। आइसक्रीम या फ्रेश जूस? आइसक्रीम। आइसक्रीम। ओके। आज ये जो मतलब माशाल्लाह इन्होंने तो आज कमाल ही कर दी। अरे मेरे देखो यार गला खराब था लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने गा के दिखाया। नाक की हड्डी नाक नाक की हड्डी है। बहुत मुश्किल कंपोजिशन। अरे बहुत रोबे रॉबिन घोष साहब की है भाई। रॉबिन घोष साहब। अच्छा ये खाने में आपको इटालियन फूड तो बड़ा पसंद है तो ये एक अजीब सा क्रिएटिव इम्तिजाज है कि इटालियन फूड और समोसे पाकिस्तान में पसंद है। ये क्या चक्कर है? अडॉप्ट करना पड़ता है ना। हाँ। अब वहां से हम आए तो वो तो समोसे अडॉप्ट किया आपने। हाँ हाँ। उसके कितने बच्चे मिल मेरा बड़ा प्रॉब्लम ये था भाई। मैं यहाँ आया ना तो अब हर चीज में जो है वो मसाले डलते हैं। अच्छा एक उम्र तक मुझे ये पता ही नहीं था कि मिर्चों में और मसालों में फर्क क्या होता। अब मैं कहूँ जी इसमें मिर्चें बहुत हैं। मेरी जो वालदा थी वो कहती थी मिर्चें तो नहीं है इसमें डली हुई। और मैं चीख पड़ता था। मैं कहता था ये जो मुझे पसीने आ रहे हैं ये क्या है बेटा? मिर्च तो है डाली नहीं है इसमें। अब मैं लोगों को खिलाता था ये खा के देखें खा रहे। कहता नहीं मिर्च तो नहीं है। तो मुझे 8-10 साल बस समझ आया कि मसाला भी मिर्च होती है। मैं समझता था मसाला गरम मसाला गरम मसाला। हाँ मैं समझता था जैसे फ्लेवर के लिए ओरिगानो या ये डाला जाता है। नहीं गरम मसाला आप एक चम्मच खाए पता चल जाएगा जी भाई। लाल मिर्चें ये आप मुझसे किसी दिन एक चम्मच गरम मसाले का खा ले उसके बाद मैं आपसे वो रक्स करवाऊंगा कि आप देखिए। अच्छा जरा हम लोग अब आते यानी वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद फिर हम यहाँ पर एक अजीब सा छिछोरा गेम खेलेंगे लेकिन ये बड़ा मज़ेदार है भाई। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। नया गेम हमने ईजाद किया है। ईजाद तो नहीं किया बल्कि हिना ख्वाजा ब्यात आई थी जब से हमने शुरू किया है तो ये बड़ा ज़बरदस्त ये इसमें एक जॉब है बहुत ज़बरदस्त। तो ये आप एक जॉब हमें पूरी कर दिए लेकिन पहले हम एक वक्फा लेंगे। वक्फे में हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। इशारों में और इशारों में ये होता है नाज़रीन मोहतरम के यहाँ पर हम कोई चीज़ होती है कोई जज्बा होता है कोई छछोरपन होता है कोई पता नहीं क्या चीज़ होती है वो हम करके दिखाते हैं और ये हमें बताते हैं। इन पता इनको भी नहीं है ये भी हमें कार्ड उठाएंगे और दिखाएंगे। हम सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं मतलब कार्ड कार्ड दिखाएंगे हम देखेंगे ये हमें दिखाएंगे हम इनका देखेंगे कार्ड ये हमारा देखेंगे एक्शन। जब हम दोनों एक दूसरे का देख लेंगे तो बताएंगे था क्या ये। ऑडिशन भी हो रहा है आपका? जी हाँ ये अब आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पहला कार्ड। हाँ जी हाँ। अच्छा ये एक मैं वैसे आप बता दूँ ये एक चीज़ है जो खाई भी जाती है और मतलब एक एक, एक, एक खाने वाली चीज़ ठीक है। अब मैं आपको कर
पान, पान नहीं है, ये है लड्डू, ये है पेड़ा, ये इस पे ऊपर से कोई चीज डाली, इस पे कोई मसाला डाला, उसके बाद ऐसे करके मिक्स किया, इसके अंदर कोई चीज ऊपर से डाल के किसी चीज में से ये खा लिया। खोपरा है नहीं, पान भी नहीं है, और भी कुछ करके दिखाए ना, ये तो हो गया ऊपर से छिड़का हो गया, गोल है ये चीज, गोल है, और यहाँ से कोई चीज डली, इसको डुबाया अंदर किसी चीज में और फिर खा लिया, गोलगप्पा। यस, गोलगप्पा। अगला। अच्छा, वाह वाह, देखो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ ठरकी है, नहीं ये चश्मा। अच्छा, इसके बाद भी कुछ करके दिखाएं। सनग्लासेस। यस, सनग्लासेस। अच्छा, वाह 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 वाह, ये थोड़ी देर करते रहे मेरे भाई, ये मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है यहां से। हैंड पंप, हैंड पंप। थर्मामीटर, थर्मामीटर। यस, बाबा लव यू, आई लव यू। अब्बासी हमारे आज के मेहमान थे, और नाज़रीन मोहतरम मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी तमन्ना थी, एक दो बार मुलाकात हुई, जहाज़ में हुई एक मरतबा, एक वैसे हुई, मेरी ख्वाहिश थी और मेरी दिली तमन्ना थी, आरजू थी कि कभी शमून मेरे शो में आए, कभी मैं इनका इंटरव्यू करूँ। इंशाल्लाह मॉर्निंग शो भी हम शुरू करने वाले हैं, उसमें भी शमून को बुलाएंगे, लेकिन और शमून शहरी दोनों को बुलाएंगे दुर्स के हवाले से। फिर मैंने इनकी ड्रामे इनकी मैं देखता रहा, वार भी देखी, लेकिन जब मैंने दुर्स देखी तो मैं आपको अपने जज्बात बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान पर बड़ा नाज हुआ। इस बात पर नहीं कि मैं कोई फिल्म देखने गया, मुझे नाज हुआ कि मेरे पाकिस्तान में शमून अब्बासी जैसा फैन है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी डायरेक्शन, उसकी स्टोरी, और आखिर में जिस तरह मेरे ख्याल से बलूचिस्तान किसी इलाके में फिल्माई गई और वहाँ पर जो फिर शूटिंग होती है और वहाँ पर जो मायरा खान का कत्ल होता है या वो मारी जाती है, वो धूल मिट्टी वो तमाम थी, मतलब इतना रियल वो फिल्म थी कि कई पर इन्होंने उसके लिए बता रहे थे अभी कि मैंने उसके लिए दाढ़ी बड़ी की, बड़ी रखी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि दाढ़ी आप लगवा लें, इन्होंने कहा नहीं मैं उसको बड़ा करूँगा। आप कुछ बताएं दुर्स के बारे में कुछ। बस मैं सिर्फ पाकिस्तान में हम चाहते थे डॉक्टर साहब के दुर्स को देख कर, हिट और फ्लॉप का मकसद नहीं था हमारा, मैं सिर्फ चाहता था कि फिल्म मेकर्स को यह हिम्मत हो कि इन सब्जेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है उनके लिए आपको एक रास्ता हमवार करना होता है ना, सिर्फ बातें करने से ज़ाहिर है आपको कोई फॉलो नहीं करता। हमें दुर्ज दिखा के लोगों को ये बताना था कि बड़े बड़े सेट्स हों या ये हों या वो, ये ज़रूरत होती है, बट आप कोई अच्छी सी कहानी लेकर पहाड़ों में भी चले जाएंगे ना, जहाँ हरियाली भी नहीं होगी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, तो आप देखें ना आज आप सराह रहे हैं हमारे लिए, मेरे ख्याल में ये रिवॉर्ड से कम नहीं है। और आपका पहले भी मैसेज आया था जब ऑन एयर गया था, तब भी जब रिलीज़ हुई थी तब भी, तो मेरे हिसाब से यही पजीराई जो है ये हमें आगे बढ़ाती है, और छोटे लोगों ने यानी छोटे यंगस्टर्स ने, बुज़ुर्गों ने, मीडिया के लोगों ने, सब ने बहुत पसीराई दी, तो मुझे लगा कि बस एक रास्ता हमवार हुआ है उन फिल्म मेकर्स के लिए जो आइंदा आएंगे। और वो मैं एक बात बस आखिर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत कम विलन मिले हैं। अफजाल अहमद मरहूम, अब बहुत बड़े फनकार, इसके अलावा असलम परवेज और बहुत सारे नाम है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब उम्र हो चली है, बहुत कम नेगेटिव कैरेक्टर बेहतरीन करने वाले लोग मिले।
एक जमाना था कि नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से लोग फिल्में देखने के लिए जाया करते थे कि असलम परवेज है इसमें, इसमें मुस्तफ़ा कुरैशी है, इसमें अफजाल अहमद है, ये बहुत दहलीज अफजाल अहमद की किसको याद नहीं है। तो मैं शमून अब्बासी से गुजारिश करूँगा ये रविश ना छोड़ना कभी। आप जब मनफी किरदार अदा करते हैं या जब आप अपने एक एंग्री एक कैरेक्टर में आते हैं तो लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त आप इस बात की परवाह नहीं करते। मैंने दुर्ज के अंदर जो सबसे अहम बात नोट की वो ये कि गुफ्तगू के दौरान इनकी कैमरा वर्क ऐसा था कि अगर थूक भी मुंह से बाहर निकल रहा है बात की तो वो भी नजर आ रहा है। वो इतना जबरदस्त वर्क था जो भारतीय फिल्मों में हमें कहीं नजर आता है, पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं देखा कि बात कर रहे थे और वो झाग जोड़ रहे थे वो भी नजर आ रहा था और गर्द भी नजर आ रही थी। तो ये कैरेक्टर आपने बरकरार रखना है। अब मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। शमून अब्बासी तरक्की का नाम है, इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेंगे।